press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले उन सभी यूजर्स के लिए जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नए कैनन 200D मार्क II के बारे में जो कि मेरे पास डिलीवर हो चुकी है। तो ये रहा वो कैमरा जो कि ये रहा कैनन 200D मार्क II जिसमें आपको 4K तक रेजोल्यूशन कर सकते हो। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारे इसके डिटेल्स, क्या क्या इसके बॉक्स कॉन्टेंट और इसके बेस्ट रिव्यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप सबके सामने कैनन 200D मार्क II का बॉक्स। तो टॉप पे आपको देखने को मिलेगी कैनन की वारंटी। बॉक्स में काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि इसके 2 ईयर्स की यहाँ पे वारंटी आपको देखने को मिलती है। नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा मॉडल नंबर ES 200D Mark II। और यहाँ पे इसमें आपको साथ में मिलती है 18-55 STM लेंस प्लस 55-250 लेंस किट के साथ। मैंने यहाँ पे ये लेंस आती है, इसकी एक और वेरियंट है जो कि 18-55 लेंस के साथ आती है। तो यहाँ पे नीचे की ओर आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको हाईलाइट फीचर दी गई है। यहाँ पे एक 16GB की मेमोरी कार्ड इसमें आपको फ्री देखने को मिलती है। तो नीचे की ओर आपको देखने को मिलती है 24.1 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर के साथ यहाँ पे ये कैमरा आती है। ISO वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फोटोज़ में यहाँ पे ISO जाएगी 25600 तक और वीडियो में आप ISO जा सकते हो 12600 तक, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। और यहाँ पे आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 4K, कैनन 200D में आपको 4K देखने को नहीं मिल रही थी। साथ में यहाँ पे आपको वेरी एंगल LCD देखने को मिलती है और साथ में आपको वाईफाई प्लस ब्लूटूथ का यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बॉक्स के लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इसकी प्राइस मेंशन की गई। अनबॉक्स प्राइस इसकी 65,995 रुपीज़। और आपको यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फीचर यहाँ पर देखने को मिलती है, वाईफाई ब्लूटूथ HDMI यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। तो अब हम करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। तो उसके लिए चाहिए मुझे यहाँ पे ये नाइफ। तो नाइफ से मैं सबसे पहले इसे सील को कट करता हूँ। पहले बॉक्स में आपको देखने को मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड। यहाँ पे आपको कुछ इसके डिफरेंट मॉडल नंबर यहाँ पे दिया गया है। इंडिया में आपको ये कैमरा लॉन्च हुई है कैनन 200D मार्क II के नाम से। बहुत लोगों को ये पता था कि ये कैमरा लॉन्च होने वाले कैनन 250D के नाम से, बट यहाँ पे कैनन 200D मार्क II के नाम से यहाँ पे लॉन्च किया गया इंडिया में। तो बॉक्स के अंदर हम चलते हैं। बॉक्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड देखने को मिलती है और साथ में आपको मिलती है कैनन की वर्कशॉप। तो कहीं पे भी आप कैनन की वर्कशॉप में आप यहाँ पे फ्री एंट्री ले सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये रहा कुछ बॉक्स कंटेंट जो कि मेरे साथ मेरे को बॉक्स के अंदर मिली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कैनन के यहाँ पे स्ट्रैप देखने को मिलते हैं जो कि आपको ट्रैवलिंग में आपको इससे कैमरा को कैरी कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैवल अडेप्टर जिसमें आप अपने बैटरी को इंसर्ट करके इसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ये रहा ट्रैवल अडेप्टर, साथ में ये रहा बैटरी जो कि इसमें इस तरह से कुछ इंसर्ट हो जाएगी। तो ये रहा बैटरी का कंपार्टमेंट, इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे इस बैटरी कुछ यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलती है 1040 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। और ये रहा कुछ यहाँ पे चार्जिंग अडेप्टर और ये रहा सैंडिस्क की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 16GB की SD कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो अब हम चलते हैं मेन कैमरा बॉडी की तरफ। तो ये रहा इसका मेन कैमरा बॉडी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे टेक्सचर का लुक दिया गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कैनन की ब्रांडिंग। साथ में आपको कुछ स्टैंडर्ड बटन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टॉप पे आपको देखने को मिलते हैं मेन्यू बटन है, इन्फॉर्मेशन बटन है। यहाँ पे आपको कुछ स्क्रॉलर अप डाउन या ओके बटन है, यहाँ पे व्यू बटन है, यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे एवरेज यहाँ पे देखने को बटन देखने को मिलती है। और साथ में यहाँ पे जूम इन आउट भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये बटन देखने को मिलता है जो कि यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियोस को ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको साथ में देखने को मिलती है वेरी एंगल डिस्प्ले जो कि आपको 360 डिग्री तक यहाँ पे आप इसे रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पे ये आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं व्यू फाइंडर। तो टॉप पे आप देखने को मिलेगी तो यहाँ पे आपको मिलता है कुछ डेडिकेटेड आपको ये डायल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, मैनुअल मोड, स्कैन मोड, ऑटो, यहाँ पे बहुत सारे डायल देखने को आपको मिलते हैं। और साथ में यहाँ पे मिलती है ये इसी
ऑन, और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको वीडियो मोड के लिए आपको डेडिकेटेड यहाँ पे बटन यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में आपको देखने को मिलते हैं ISO और यहाँ पे डिस्प्ले बटन, और साथ में आप स्कॉलर की हेल्प से आप ISO को एडजस्ट कर सकते हो। और ये आपका कैप्चर बटन, और टॉप पे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे ये आपका फ्लैश लाइट, जो कि यहाँ पे आपको कुछ सिंपल यहाँ पे इसे आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इसके बटन कहाँ से है कहाँ पे नहीं। और फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलते हैं EOS 200D की यहाँ पे ब्रांडिंग, और फ्रंट साइड से लुक आपको कुछ Canon 200D की तरह ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और राइट साइड में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्ट्स में आप अपनी माइक को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी बोया की माइक को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है HDMI पोर्ट, जहाँ पे आप कुछ डाटा केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा यहाँ पे इसका फर्स्ट किट लेंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किट लेंस यहाँ पे कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे देखने को मिलती है। ये रहा इसका मेन किट लेंस, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 18-55। यहाँ पे आपको स्टेबिलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑटो फोकस भी, यहाँ पे आप ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस यहाँ पे कर सकते हो। स्टेबिलाइजर भी यहाँ पे ऑन ऑफ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे आपको रहा इसका मेन बड़ा बॉक्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसमें रखा आप देख पा रही है जो लेंस है यहाँ पे इसकी रिजोल्यूशन है यहाँ पे 55-250 mm, मतलब यहाँ पे ये लेंस जो है ये फोटोशूट में आपको काम आते हैं, जो कि इसमें तो यहाँ पे इस पर आप देखने को मिलते हैं। इसमें भी सेम आपको देखने को मिलता है स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ऑन ऑफ यहाँ पे आप कर सकते हो, और साथ में आप ऑटो फोकस मैनुअल फोकस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया था, इसके बैक साइड में जो आपके लेंस की जो यहाँ पे स्पेस है इसे कम की गई है, कि यहाँ पे आपके ह्यूमन कॉन्टैक्ट काफ़ी कम हो, जिससे इसमें डस्ट इंटर मतलब नहीं कर सकती है। तो ये कुछ मतलब दोनों लेंस के साथ यहाँ पे कुछ चेंजिंग यहाँ पे किया गया है। तो अब हम करते हैं इसे बॉडी के साथ अटैच, तो यहाँ पे मैं इस बॉडी के साथ अटैच करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे कोई बॉडी के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा व्हाइट वाले जो एयर यहाँ पे आपको डॉट है, इससे आपको यहाँ पे ऐसे मिलाना है और इसे आपको क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमा देना है। तो यहाँ पे जो लेंस है वो बॉडी के साथ अटैच हो चुकी है, और यहाँ पे इसका रहा मेन, तो इसे आप यहाँ से ऑन कर लो। अब हम करते हैं इसमें बैटरी इंसर्ट। तो बैटरी इंसर्ट के लिए आपको नीचे यहाँ पे इसको अब हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले जो ऑन हो जाती है और यहाँ पे इसे ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा राइट साइड में आपको यहाँ पे रेड कलर का बटन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे मेनू पे जैसे टैप करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे शूटिंग सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे वीडियो प्लेबैक सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे वाईफाई यहाँ से डायरेक्ट इसे अनेबल कर सकते हो वाईफाई ब्लूटूथ यहाँ पे, और साथ में इसमें GPS भी कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे किसी को सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये रहा इसका डिस्प्ले मोड, तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है, उसे मैं जल्दी जल्दी अनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो डायल है यहाँ पे डायल पे आप जैसे ही इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स मोड, TV मोड, ऑटो फोकस, मैनुअल, यहाँ पे आप ISO यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे स्कैन मोड, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक नई फीचर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्टेप पे करूँगा क्रिएटिव असिस्ट पे, तो यहाँ पे आपको देख पा रहा हो यहाँ पे प्री रीसेट में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी, सॉफ्ट, यहाँ पे वार्म, कूल, ग्रीन, साइनी, यहाँ पे बहुत लाइट, यहाँ पे आप ब्लैक एंड वाइट भी यहाँ से आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्लैक एंड वाइट भी यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप बैकग्राउंड ब्लर की बात करो तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप जैसे इसे कम करोगे
यहाँ पे आपको ब्लर जो है वो नहीं होगी, और यहाँ पे जितना ही कम करोगे यहाँ पे ये ब्लर जो पूरा हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, तो ये ब्राइटनेस भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस यहाँ पे मैंने कंट्रोल कर, कॉन्ट्रास्ट अब यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल रही होगी, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नई फिल्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस कैमरे में, जो कि नया फीचर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे वीडियो ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे ही शूटिंग सेटिंग में यहाँ पे इंटर करोगे, तो यहाँ पे आप जैसे ऑफ करोगे तो यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे मूवी रिकॉर्ड साइज, तो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे 4K भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिलती है आपको देखने के लिए, जो कि नई इनबिल्ट की है इसमें। फुल HD 50 FPS आप शूट कर सकते हो, 25 पे भी शूट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं डिजिटल साइड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, साउंड रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर सकते हो, मूवी डिजिटल यहाँ पे अनेबल की गई। यहाँ पे आपको टाइमलेस पे यहाँ पे आपको देखने को मिलती है टाइमलेस 1 सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। मूवी साइज रिकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे एक नई फीचर यहाँ पे दिए गए आई डिटेक्शन ऑटो फोकस, मतलब कि आप वीडियो शूट करोगे तो वहाँ पे आप आपकी आइज पे है ना ये क्या, वहाँ पे एक आपको फोकस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वीडियो शूट हो रही है यहाँ पे फुल HD पे, तो यहाँ पे मैं स्पेशली आई डिटेक्शन के लिए यहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा, जैसे ही मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके आई पे जो फोकस वहाँ बनाई हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आई डिटेक्शन यहाँ पे काफ़ी इजिली वर्क कर रही है। और यहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है खुद इसकी इंटरनल माइक से हो रही है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वॉइस रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे जूम आउट करोगे तो आई डिटेक्शन वहाँ हट जाती है, और सामने जहाँ जाओगे ये आई डिटेक्शन पे फोकस करते थे, जो कि आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अपने देखा कैनन 200D मार्क II की अनबॉक्सिंग जो है वो पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं सारे इसके फीचर्स को फुलफिल करके आप सबको बता चुका हूँ। तो अगर आप एक अच्छे कैमरा की तलाश में हो तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन हो जाता है कैनन 200D मार्क II। ये आपको कैनन 200D का अपडेटेड वर्जन है, जहाँ पे आपको 4K तक रेजोल्यूशन की आप वीडियो यहाँ पे शूट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कैमरा के प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पे आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स के बारे में वहाँ कमेंट सेक्शन में मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो आई होप अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर टेक्निकल रिलेटेड अनबॉक्सिंग की वीडियो हम सब जगह पर लाता रहता हूँ। जल्दी मिलते हैं नए प्रेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।